प्रोफेशनल रेसलिंग सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, वो उससे थोड़ा बढ़कर है। प्रोफेशनल रेसलिंग एक होप है, प्रोफेशनल रेसलिंग एक एक्सक्यूज है हम लोगों के लिए दोबारा से बचपन जीने की, क्योंकि वो मोमेंट्स जो हमने बचपन में देखी या जो अब हम लिव करते हैं वो मैटर करती हैं। ये एक ग्रेट मैन, एक वाइज मैन ने बोला था, बो डैलस के ब्रदर ब्रे वायत ने, विंडहैम रोटुंडा जिनको अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर इस रेसलिंग की दुनिया ने खो दिया था इन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। यहाँ पे हमें ये मोमेंट देखने को मिली कि कैसे बो डैलस बोलते हैं कि दिस वॉज नेवर सपोज टू बी। उनके हाथ में पिक्चर्स पकड़ी हुई हैं दो, एक तरफ हैं एक छोटे ब्रे वायत और दूसरी तरफ एक रिसेंट पिक्चर ब्रे वायत की, और वो हो रहे हैं काफ़ी इमोशनल। जॉन सीना के शब्दों में आपको बताऊं तो वो ब्रे वायत को बोलते हैं द अल्टीमेट विलन। हल्क होगन उनकी तारीफ करते हैं कैरिज्मा की। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि क्रिएटिविटी की जब बात आती है तो ब्रे वायत के आसपास भी कोई नहीं था। रिक फ्लेयर जैसे बंदे ने ब्रे वायत को एक जीनियस बोल दिया, और उनकी फियांसे जोजो कहती हैं कि ब्रे वायत एक ऐसा बंदा था जिसने हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश किया है। अलेक्सा ब्लिस जो उनके साथ इतनी क्लोजली जुड़ी है इतने सालों तक, वो कहती हैं कि ब्रे वायत ने इस पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ट्रिपल एच जो कि सारे WWE टैलेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे क्लोजली काम करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रे वायत क्रिएटिवली इतना अच्छा था कि WWE की कमाल की वर्ल्ड क्लास टीम होने के बावजूद भी मुश्किल होती थी ब्रे वायत के साथ काम करने की। लेकिन एक क्लिप देखने को मिलती है जहां ब्रे वायत खड़े हैं अपने फीड के गियर में, और ब्रे वायत वहां पे बात कर रहे हैं कि ये मेरे पे अच्छा लगेगा, क्या मैं इसमें परफॉर्म कर पाऊंगा, बिकॉज वो दिक्कत दे रहा था उनको प्रोड्यूस करने में, बिकॉज इट वॉज अ टफ क्रिएटिव। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी ब्रे वायत के करियर में एक रोड ब्लॉक आता था, उनके पास नई चीज़ रेडी थी, हमेशा कुछ ना कुछ ब्रे वायत के पास था। ही वॉज लव्ड बाई मिलियंस एंड ही हैड द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स। डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग इमॉर्टल बिकमिंग ब्रे वायत करी गई है नरेट बाय द अंडरटेकर, और वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है आती है कई अलग अलग शेप्स में और कई अलग अलग प्लेसेस से। प्लेस का नाम है वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया और शेप है एक मैन की, द मैन कॉल्ड ब्रे वायत। तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम किक ऑफ करने वाले हैं अपनी लेटेस्ट सीरीज बिकमिंग इमॉर्टल ब्रे वायत। जी हाँ, वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री इन WWE जो कोई नहीं चाहता था देखना। ब्रे वायत की इस कमाल की कहानी को हम रिलिव करेंगे यहाँ हिंदी में ओनली ऑन रेसल इंडिया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बने रहें, 3 से 4 एपिसोड्स के ओवर हम डिस्कस करेंगे ब्रे वायत के अलग अलग पार्ट्स करियर के पूरी डिटेल में। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जेसन बेकर इस डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं जो कि ब्रे वायत के लिए मेकअप इफेक्ट्स आर्टिस्ट थे, एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और इन्होंने ऑनर किया, इन्होंने काफ़ी इनको मौका मिला काम करने का विद ब्रे वायत, क्योंकि काफ़ी उनके कॉस्ट्यूम्स और जो डिज़ाइंस हैं उस पर वो काम करते थे। बो डैलस और जेसन बेकर इस स्टूडियो में खड़े हैं जहाँ पे ब्रे वायत के सारे क्रिएटिव डिज़ाइंस को बनाया जाता था, जो हम कह सकते हैं द केव ऑफ क्रिएशन थी। ब्रे वायत के दिमाग के जो आउटपुट निकल के आते थे वो इस स्टूडियो में थे, और बो डैलस कहते हैं कि उनको कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा, उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा ऑनर करने के लिए ब्रे वायत की लेगेसी को। और इस पूरे डिस्क्लेमर हमें दिया जाता है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में कई सारी अनरिलीज्ड वीडियोस हैं, कई सारे अनरिलीज्ड कोटेशंस हैं, बातें हैं जो ब्रे वायत की पहले रिकॉर्ड करी गई थी जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं। तो ब्रे वायत पले बड़े ब्रुक्सविल फ्लोरिडा के अंदर, और उनकी 23 साल के जब वो थे, ये इंटरव्यू हमें सबसे पहले यहाँ दिखाई जाती है 2010 की, जहाँ पे ब्लैक जैक मलिगन उनके ग्रैंडफादर को वो डिस्क्राइब करते हैं, कैंडल एंड बैरी उनके अंकल्स और माइक रोटंडा उनके फादर। वो कहते हैं कि इतनी जनरेशन्स मेरी फैमिली की ऑलरेडी प्रोफेशनल रेसलिंग में आ चुकी हैं कि अब मेरे को पता है, सारे लोग जानते हैं कि ब्रे वायत किस फैमिली से आता है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी अननोन नहीं है। माइक रोटुंडा यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से वो फ्लोरिडा में थे और उस टाइम पे जब वो रेसलर थे डस्टी रोड्स बुकर थे। एक बार फिर से यहाँ पता लगता है कि भाई डस्टी कहाँ कहाँ तक उनके कनेक्शन जाते हैं, किस किस को उन्होंने इन्फ्लुएंस करा है। तो ब्रे वायत के फादर माइक और उनके अंकल बैरी को एक टैग टीम बनाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और यहाँ पे बैरी की सिस्टर जो थी स्टेफनी,
उनके शादी हुई ब्रे वायत के डैड माइक रोटुंडा से 6 महीने बाद जब वो पहले उनसे मिले। तो इस तरीके से यहाँ से 40 साल बाद उनकी मैरिज चल रही है, आज भी चल रही है, और माइक एंड बैरी टैग टीम चैंपियंस भी बने और फर्स्ट एवर रेसलमेनिया में उनको लड़ने का मौका भी मिला। अल्टीमेटली यहाँ पे माइक और स्टेफनी ने डिसाइड करा कि ब्रुक्सविल फ्लोरिडा में ही वो सेटल डाउन होंगे, एंड ऑन May 23, 1987 विंडम लॉरेंस रोटुंडा वॉज बॉर्न। माइक रोटुंडा यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से जब ब्रे वायत बॉर्न हुए थे तो वो वापस आए घर से रिक फ्लेयर से एक मैच लड़के, और उनको बताया जाता है कि ब्रे की मॉम यहाँ पे जो है स्टेफनी, उनको इमरजेंसी सी सेक्शन ऑपरेशन करवाना पड़ा बिकॉज ब्रे वायत जो थे वो थोड़े ओवरवेट थे और वो वहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे जब एक्चुअली ब्रे वायत की डिलीवरी हुई। लेकिन ऑब्वियसली वन ऑफ द क्यूटेस्ट किड्स जो कि आप देखेंगे इस पिक्चर में, ब्रे वायत की जो पिक्चर्स यहाँ पे हमें दिखाई जाती हैं कमाल की, और उनकी मॉम यहाँ पे बताती हैं कि 2-3 साल के थे ब्रे वायत और ऑलरेडी उनको पता था कि बीटल जूस क्या है, घोस्ट बस्टर्स क्या है, और ये जो हॉरर कॉमिक्स और ये अलग अलग चीज़ें थी लाइन फॉर लाइन ब्रे वायत को रटी हुई थी। वो गूज बम्प्स की जो बुक्स आती थी जो शायद आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ी होगी, ब्रे वायत उससे एडिक्टेड थे, उन बुक्स को पढ़ा करते थे। और जब ब्रे वायत थे 3 साल के, उन्होंने वेलकम करा, उनके पेरेंट्स ने वेलकम करा अपने भाई को, अपने बेटे को टेलर, जिनको हम जानते हैं बो डैलस के नाम से। बो कहते हैं कि उन्होंने ऑलवेज लुकअप किया ब्रे वायत को और हमेशा वो ब्रे की तरह बनना चाहते थे। और फिर आती हैं उनकी सिस्टर माइका, द थर्ड किड ऑफ द फैमिली, और ये बताया जाता है कि कितने क्लोज हैं पूरी फैमिली, सिबलिंग सारे एक दूसरे के। और उसके बाद नटालिया बात करती हैं कि जिम द एनविल नाइडहार्ट, उनके फादर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे माइक रोटुंडा, और ब्रे वायत और सारे इनके जो सिबलिंग्स थे वो आते थे नटालिया के घर पे और ये लोग साथ में खेला भी करते थे जब ये सारे बच्चे थे। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं माइक रोटुंडा को WWE से, आप उनको ज़रूर जानते होंगे IRS के कैरेक्टर से, और इस कैरेक्टर ने इवन अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार्स के साथ जो है वो रेसलिंग करी है। टैक्स इशू का एक गेमिक था यहाँ पे माइक रोटुंडा का, और भाई हमेशा ये दिखाया जाता था कि इसको टैक्स से प्रॉब्लम है, इसको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम है। हल्क होगन कहते हैं कि उस टाइम पे जब माइक रोटुंडा IRS की तरह रेसल करते थे तो ब्रे वायत बैक स्टेज बैठा करते थे, अपने डैड को देखा करते थे, और इतना इन्वॉल्व थे वो उस टाइम भी उस प्रोडक्ट में एज अ बच्चा कि वो उसके अंदर जाना चाहते थे। ऑलवेज ब्रे वायत बोला करते थे बचपन में भी कि मुझे भी WWE में जाना है। लेकिन जिस तरीके का ब्रे वायत का बॉडी टाइप था, काफ़ी उनको वेटेड बोला जाता था, उनको सूट करता था एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन फुटबॉल, एथलेटिक्स, एमेच्योर रेसलिंग। हर्नांडो हाई स्कूल उनका स्कूल था और माना जाता है 17 साल की उम्र में ब्रे वायत को एक ड्रॉ माना जाता था कि अलग अलग स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है। ये हैवी वेट टाइटल जीते रेसलिंग का अपने स्टेट में, और इनको ऑल स्टेट टीम में भी डाला गया फुटबॉल की। ग्रेजुएट हुए स्कूल से 2005 में, और उसके बाद 3000 माइल दूर ब्रे वायत चले गए टू प्ले फुटबॉल इन कैलिफोर्निया। अमेरिकन फुटबॉल NFL उनकी ड्रीम थी, और 2 साल बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया Division 1 में, जहां पे अलबामा के अंदर ट्रॉय यूनिवर्सिटी में ब्रे वायत ने अपना एडमिशन लिया। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला, सारी मेन चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मुझे सीखने को मिली, और क्योंकि ब्रे वायत एक फैमिली ऑफ एथलीट से ही बिलोंग करते थे, उनके हमेशा अंदर से ये चीज़ आती थी कि मुझे अपना 100% देना है, जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ कभी गिव अप तो मैं करूँगा नहीं। और जबकि एक तरफ ब्रे वायत ड्रीम कर रहे थे एक दिन मैं NFL में खेलूंगा, वो फ्लोरिडा आते रहते थे 6 घंटे की अपनी ड्राइव तय करके अपनी फैमिली के साथ, तब भी वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। उनकी सिस्टर माइका यहाँ पे रिमेंबर करती हैं कि कैसे उनको काफ़ी अपने वेट को लेके कॉन्शियसनेस थी, लेकिन ब्रे वायत आते हैं और उनके होम कमिंग में उनको फील्ड के लिए जब चलते हैं लोग तो उनको साथ ब्रे वायत लेके चले, उनको काफ़ी स्पेशल उन्होंने फील कराया, और सारी जो गिल्टी फील हो रही थी यहाँ पे ब्रे वायत की सिस्टर को अपने वेट को लेके, उस चीज़ को वहाँ पे ब्रे वायत ने हेल्प करी। बो डैलस अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे भाई वो एक टूर्नामेंट में जाने वाले थे रेसलिंग के, और ब्रे वायत ने क्लियरली बोला था यहाँ पे कि भाई तू जीतेगा, मैं सीधा तेरा फाइनल मैच ही देखने को आऊँगा। लेकिन एक इंजरी की वजह से उस टूर्नामेंट में आगे बो डैलस कम्पीट नहीं कर पाए, वो उससे बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पे ब्रे वायत आते हैं और वो कहते हैं बो डैलस को एक ही चीज़, नन ऑफ दिस शिट मैटर्स, ये जो हम कर रहे हैं कुछ भी भाई मैटर नहीं करता है। और जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी बो से कि वो आगे कम्पीट करेगा, तब भी उन्होंने उनको आके अच्छा स्पेशल फील कराया, जबकि बो को ऐसा लग रहा था कि ही लेट डाउन हिज ब्रदर विंडम।
ब्रेव आयत इवेंचुअली अपनी ड्रीम को खो बैठे बिकॉज NFL कोई इजी स्पोर्ट नहीं है गाइज, और जब इसमें कॉम्पिटिशन आता है तो भाई हजारों लाखों लोग लड़ रहे हैं। एक ही बात है कि क्रिकेट में 11 ही लोग खेल सकते हैं इंडिया के लिए, और कितना परसेंट चांस है कि आपको भी वो मौका मिले इवन IPL में खेलने का। तो 2008 में ब्रेव आयत की ये पोजीशन थोड़ी पीछे चली गई और उनका प्ले टाइम कम हो गया, वो अपने बेंच पे बैठने लगे और NFL की जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे ब्लैक शैडो में कन्वर्ट होती गई। इसी सेम साल में उनके ब्रदर बो यानी कि टेलर को साइन करा गया था WWE में और वहां के डेवलपमेंटल सिस्टम में उनको जो है डाला गया। जब ब्रेव आयत को पता लगा कि बो डैलस की यहां पे एडमिशन हो चुकी है तो वो जाते हैं बो के पास और कहते हैं भाई देख मेरी ड्रीम तो खत्म हो रही है, मैं अब यूनिवर्सिटी वापस नहीं जाना चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं यहां पे। और एक ऐसा डिसीजन यहां पे ब्रेव आयत ने ले लिया जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को पलटने वाला था। फिर से यहां पे हमें दिखाया जाता है डिस्क्लेमर कि नेवर सीन बिफोर फुटेज हमें देखने को मिलेगी, और यहां पे ट्रॉय यूनिवर्सिटी छोड़ के ब्रेव आयत ने ज्वाइन कर लिया FCW को। उन्होंने रहना शुरू कर दिया अपने ब्रदर टेलर के साथ, उन्होंने टीम अप शुरू कर दिया करना टेलर के साथ, और जबकि ये अपनी फैमिली के थर्ड जनरेशन रेसलर्स थे तब भी कोई सिल्वर स्पून इनको नहीं मिला, डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली WWE में। इनको हर वो चीज़ करनी पड़ी जो एक नया ट्रायआउट के बाद सुपरस्टार करता है टू मेक हिज प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ WWE। ड्यूक एंड बोरो टुंडो इनकी टैग टीम का नाम था और जिसमें साथ में जीते टैग टीम टाइटल्स भी इन FCW। जॉन सीना बात करते हैं कि उस टाइम उनका एक जिम था जिसका नाम था हार्ड नॉक्स साउथ, और वो उन्होंने ऑफर करा था FCW के सारे एथलीट्स को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेन करने के लिए। और वो कहते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने ग्रुप्स बनाए थे कि कौन लोग इकट्ठे ट्रेन करेंगे, और ब्रेव वायत एक टॉप ग्रुप में था। और वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जब एक महफिल बन रही हो और ब्रेव आयत उसका पार्ट हो तो वो सबको हंसाए ना, एक अच्छा माहौल ना क्रिएट करे, और इवन जब वो जिम में आता तो उसके पास स्किट्स रेडी होती थी कि अगर मुझे कोई प्रोमो कट करना है और अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना है तो ब्रेव आयत रेडी है अपने कॉस्ट्यूम्स और प्रोमो के साथ। जॉन सीना कहते हैं हमेशा फील होता था ऐसा कि ब्रेव आयत भाई कुछ बनाना चाह रहा है, कुछ इंडिकेशन उसके एंड से आती थी कि ये कुछ बड़ा ज़रूर करेगा एक दिन जाके। वो यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर कोई भी हम प्रोमो क्लास का ब्रेव आयत का वो उठा लें चीज़ जो उन्होंने प्रोमो कट करा था और उस कैरेक्टर को जो उन्होंने उस प्रोमो में यूज़ करा तो उसको TV पे डाल दें तो ऐसा नहीं होगा कि लोगों को पसंद ना आए। और इसी डेडिकेशन की वजह से ब्रेव आयत और बो दोनों को डाल दिया जाता है ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ NXT। एक साल में ही वो FCW से NXT पे चले गए जो उस समय डिसाइड करने वाला था द नेक्स्ट बिग थिंग इन WWE। ये आज के NXT की तरह नहीं बल्कि उस समय एक गेम शो हुआ करता था, और यहाँ पे जो प्रोज थे यानी कि मेन रोस्टर के रेसलर थे वो जजेस या ट्रेनर्स थे इन सब के लिए। June 8, 2010 ब्रेव आयत आए यहाँ पे और ड्यूक रोटुंडो से उनका नाम रख दिया गया NXT में हस्की हैरिस। और जॉन सीना भी इस चीज़ से अग्री करते हैं कि भाई देखो भले ही मैं अपने मोस्ट क्रिएटिव आवर में बैठा हूँ जब मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है, लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर का नाम हस्की हैरिस है तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल है उस चीज़ को वर्क करना ऑन TV या फिर इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। और ब्रेव वायत की यहाँ पे ऑडियो हमें रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है नेवर हर्ड बिफोर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो हस्की हैरिस का कैरेक्टर है ये किसी और का विजन था उनकी बॉडी के अंदर। वो बिल्कुल खुश नहीं थे, उनके लिए एक हार्ड टाइम था, और जबकि ब्रेव वायत अपने इस प्रोफेशनल करियर में अब आगे बढ़ने के टाइम हेल्प मांग रहे थे कि मेरे साथ कुछ अच्छा करो, मेरे साथ कुछ बेटर करो, अपनी पर्सनल लाइफ में ब्रेव वायत भाई मार रहे थे बिल्कुल छक्के, और वो थे काफ़ी खुश बिकॉज अपनी गर्लफ्रेंड समांथा जिनको वो 3 साल से डेट कर रहे थे उनके साथ उनकी फर्स्ट डॉटर हुई जिसका नाम था केडन। और यहाँ पे ब्रेव आयत को अपने बच्चे पैदा होने के बाद एक पर्पस मिला, एक बड़ी डायरेक्शन दिखी कि कैसे मेरे से भी बढ़ के लाइफ में अब कुछ है। और इसी वजह से अपने यूरोपियन टूर पे रहने की वजह से जस्ट लाइक हिज फादर मिस ब्रेव आयत्स बर्थ, ब्रेव आयत भी अपनी डॉटर के बर्थ के टाइम वहाँ पे नहीं थे। तो हमें बताया जाता है कि कैसे उस समय FCW और NXT डेवलपमेंट जो भी WWE का सीन था उस सबके क्रिएटिव हेड थे Triple H। ट्रिपल एच के पास था एक कि किसके साथ वो क्या करना चाहते हैं, और वो बताते हैं कि जब विंडम को उन्होंने देखा तो काफ़ी उनके दिमाग में ऐसी बातें आती थी कि उनको कुछ नया निकलवाना है, कुछ अच्छा करना है भाई विंडम के साथ। और वो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे ब्रे के पास हमेशा आइडियाज़ की कोई कमी नहीं थी। ऑलरेडी हमने सुन लिया है कि ब्रे वायत भाई कितने आइडिया लेके आते हैं, उनके पास कभी उस चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और ट्रिपल एच को भी ये दिख रहा था कि कुछ तो अलग करवा सकता हूँ मैं इस बंदे से, इसका यूज़ बेटर होना चाहिए। और November 16, 2011 कि WWE FCW प्रोमो क्लास NXT प्रोमो क्लास में ब्रेव आयत ने एक ऐसा प्रोमो कट किया जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए
उनका WWE करियर पलट गया और वो भी फॉर द बेटर। उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे ब्रे वायट कैरेक्टर का जन्म हुआ इन एपिसोड नंबर 2 ऑफ बिकमिंग इमॉर्टल ब्रे वायट। अगर आप लोगों को एपिसोड नंबर 1 पसंद आया, डेफिनेटली मैं चाहूंगा आप इस पर लाइक बटन ड्रॉप करें। आई वॉन्ट एवरी वन इन द कॉमेंट टू सेलिब्रेट ब्रे। मे भी आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में लगा होगा कि एनर्जी उतनी हाईएस्ट नहीं है जितनी होती है अगर हम यहाँ पर रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट सैड फीलिंग। और जब हम आगे जाएंगे तो बहुत सारी इमोशनल मोमेंट्स भी आएंगी जो हम रीलिव करेंगे ब्रे वायट की, एंड इट इज गोइंग टू गेट अ बिट इमोशनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, बाकी एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, ज़्यादा वेट मैं आपको नहीं कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।